नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के क्या सिम्टम या क्या लक्षण है। दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे देश में इतना ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे देश को डायबिटिक की जो है कैपिटल कहा जाने लगा है। दोस्तों, डायबिटीज़ को रूटीन की लैंग्वेज के अंदर बहुत से लोग डायबिटीज़ नहीं कह के शुगर भी कहते हैं या हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग शुरू में इन सिम्टम्स को, इन लक्षणों को समझें कि कहीं हमारे शरीर के अंदर भी कहीं ऐसे सिम्टम या लक्षण तो नहीं आ रहे हैं और कहीं आने वाले समय में हमें भी जो है डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो क्यों ना इन सिम्टम्स को हम समझने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी अगर ये सिम्टम आएंगे तो हम डॉक्टर से मिलके और इसको शुरू में कंट्रोल करने की कोशिश करें। दोस्तों, हम सिम्टम शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज का सबसे पहला सिम्टम है कि आपको पोलीयूरिया। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपको जो पेशाब है वो बहुत ज्यादा आने लगेगा। मान लीजिए कि आप पहले जो है यूरिन के लिए दिन के अंदर 5-6 बार जाते थे, तब आप देखेंगे कि आपको 8-10 बार जाने लगा है। इसी प्रकार खास करके जो आपका नाइट में यानी रात में सोते समय, मान लीजिए कि आप पहले यूरिन के लिए एक बार ही उठते थे, तो आप देखेंगे कि आपको रात में 3 बार 4 बार 5 बार इस तरह से आपको उठना पड़ रहा है। यानी आपकी जो पेशाब करने की इच्छा है, जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है, ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके अंदर भी आप देखेंगे कि दिन के बजाय आपको रात में बार बार उठ के पेशाब करने के लिए जाना पड़ रहा है। दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि आप समझ सकते हो कि डायबिटीज के अंदर आपके शरीर में शुगर लेवल आपका बढ़ने लगता है। और जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून में जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होती है, तो हमारा शरीर उसको क्या करता है कि हमारी जो किडनी है, गुर्दे, उनके में फिल्टर करके और यूरिन यानी पेशाब के साथ में बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो आपकी किडनीज या आपके गुर्दे, हम बोले कि उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं इस एक्स्ट्रा शुगर को आपके शरीर से बाहर निकालने के लिए। और ये जो एक्स्ट्रा शुगर जो बाहर निकलेगा, ये यूरिन या पेशाब के साथ ही बाहर निकलेगा। इसीलिए आपको बार बार यूरिन या बार बार आप कहेंगे कि पेशाब की इच्छा बढ़ जाती है। दोस्तों, ये हो गया पहला सिम्टम कि पेशाब बार बार आना और इस तरह से रात में खास करके ज्यादा आना। दोस्तों, नेक्स्ट इसका सिम्टम है कि प्यास ज्यादा लगना। दोस्तों, प्यास ज़्यादा क्यों लगेगी? आपको पानी पीने की बार बार इच्छा ज़्यादा होने लगेगी। इसका भी कारण, जैसा मैंने पहले में बताया कि क्या होता है कि जब आपका शुगर लेवल बढ़ गया तो आपकी बॉडी से उसको बाहर निकालने के लिए आपके गुर्दे ज़्यादा काम करेंगे और आपको पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आपका शरीर बार बार यूरिन या जब पेशाब बनाएगा तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इसके साथ आपके शरीर का जो पानी है वो भी बाहर निकलेगा यूरिन में। तो जो शरीर में से बार बार जो पानी बाहर निकल रहा है उसके कारण आपके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन होने लगता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि उससे आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है क्योंकि आपका पानी निकल गया पेशाब के साथ। तो उसके लिए आपको दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका होंठ बार बार सूख रहा है, गला सूख रहा है, या आप शॉर्ट में कहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि आपको बार 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 प्यास लगेगी और आप देखेंगे कि आजकल मुझे जो है पानी पहले से ज्यादा पीना पड़ रहा है और मेरा जो है पेशाब भी वो ज्यादा होने लगे। तो ये दो सिम्टम मैंने आपको बताया। उसके बाद में दोस्तों, तीसरा जो मेन सिम्टम है वो ये है कि आप देखेंगे कि आजकल कहीं ना कहीं शरीर में बदलाव आ रहे हैं, ये दो। इसी के साथ में तीसरा आप सिम्टम देखेंगे कि आपको बार बार जो है भूख भी लग रही है, यानी आपकी खाना खाने की इच्छा जो है बार बार बढ़ जाती है। आपने ब्रेकफास्ट किया थोड़ी देर पहले, कुछ टाइम बाद में आपकी फिर इच्छा होगी कि मैं कुछ खा लूं। आपने लंच किया यानी दोपहर का भोजन लिया और 1-2 घंटे बाद फिर इच्छा होगी कि मुझे कुछ खाना चाहिए। इसी तरह से रात में आपको फिर इच्छा होगी। इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बार बार खाने खाने की इच्छा हो रही है। उसके अंदर भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि खास करके जो आपको मीठा खाने की कहीं ना कहीं इच्छा बढ़ रही है, आपकी जो स्वीट्स के लिए डिजायर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों, अलर्ट हो जाएं, ये भी एक डायबिटीज का सिम्टम है। दोस्तों, उसी के साथ के अंदर आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का जो है वेट लूज होने लगा है, यानी आपका जो शरीर है उसमें से आप देखेंगे कि मेरा भार इन दिनों कम होने लगा है। बहुत अच्छा कोई कारण आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। आप यूँ सोचेंगे कि मेरा वेट क्यों कम हो रहा है, मैं तो खाना भी खा रहा हूँ, डाइट भी अच्छी ले रहा हूँ और भी मेरे को कुछ ऐसा मैं खास चेंज नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट कम होता जा रहा है और तेज़ी से धीरे धीरे मेरा वेट जो है लगातार कम होता जा रहा है। दोस्तों, ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक अलार्मिंग लक्षण है जिससे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के साथ जब आप देखेंगे, जब मैंने आपको ये मेन मेन सिम्टम्स बताए कि सबसे पहला अलार्मिंग सिम्टम कि आप देखेंगे कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ गई है, खास करके नाइट में। इसके साथ आप देखेंगे कि मेरी पानी पीने की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। उसी के साथ आप देखेंगे खाना खाने की इच्छा बार बार हो रही है। इन सब के साथ में कि वेट भी लूज़ हो रहा है। दोस्तों, ये चार मेन सिम्टम है और बेसिक यानी शुरुआती सिम्टम है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेने चाहिए कि अगर इस तरह के चारों सिम्टम आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ में कुछ दूसरे सिम्टम
जो आगे हमें देखने को मिलेंगे वो हम और डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्या होगा जब ये सारी चीज़ें होगी, आपका वेट भी लूज होगा और ये बाकी सिम्टम जो शरीर में आएंगे, तो इन सब के साथ में शरीर में दूसरे बदलाव भी आएंगे। जैसे आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि मेरे शरीर में थकावट रहने लगी है, सुस्ती रहने लगी है। पहले आप जितना एक्टिव रहते थे यानी अपने बॉडी के अंदर जितना एनर्जी लेवल फील करते थे, अब आप वो नहीं फील कर रहे हैं, शरीर में थकावट सुस्ती हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हेडेक, यानी आप देखेंगे कि हल्का हल्का मुझे आजकल सिरदर्द भी बना रहता है, इस तरह के सिम्टम भी रहते हैं। दोस्तों इसी के साथ में जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके अंदर क्या होगा कि उनके अंदर वो महसूस करेंगी कि मेरे को जो यूरिन है ये भी ज्यादा आ रहा है। इसके साथ में यूटीआई महसूस कर सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब में जलन होना और पेशाब वाली जगह पर थोड़ा सा इचिंग खुजली होना, यानी जिसको वल्वो वेजाइनाइटिस कहा जाता है, यानी आपकी पेशाब की जगह पर इचिंग खुजली, इस तरह के सिम्टम यूटीआई, ये सिम्टम महिलाओं में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से दोस्तों जो पुरुष हैं, जेंट्स हैं, उनके अंदर भी क्या होगा कि वो देखेंगे कि उनको बेलेनाइटिस हो गया, यानी उनके जो पेनिस है या लिंग है वहाँ की स्किन में देखेंगे कुछ खराब होने लगा है। दोस्तों बेलेनाइटिस को आप समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह से जो पुरुष है वो देख सकते हैं कि उनको इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता या इस तरह की जो सेक्सुअल वीकनेस है वो भी कहीं ना कहीं आजकल वो देखेंगे कि मुझे महसूस होने लगी है। दोस्तों कुछ और हम एडवांस अगर सिम्टम्स की बात करें तो डायबिटीज जब लंबे समय तक आपके शरीर में रहने लगती है तो नेचुरली धीरे धीरे आपकी बॉडी में कई भी जो दूसरे ऑर्गन्स है, आपके शरीर के जो दूसरे अंग हैं, उन पर भी अपना धीरे धीरे असर डालने लगती है और कुछ दूसरे सिम्टम भी आपको देखने के मिलेंगे। जैसे दोस्तों आप क्या देखेंगे, आपके जो हाथ पैर हैं, हाथों में और पैरों में कुछ सिम्टम आ सकते हैं, जैसे नमनेस आपको फील हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन आ सकते हैं, आपको हाथों पैरों में बर्निंग सेंसेशन आ सकते हैं, यानी दोस्तों कह सकते हैं कि आपको हाथों पैरों के अंदर कहीं ना कहीं झंझनाहट सी महसूस होना, या आपको सुनापन लगना, या कई बार आपको लगेगा कुछ चींटियां सी चल रही है, या कई बार हाथों या पैरों में आपको लगेगा कुछ जलन, बर्निंग सेंसेशन जिसको कहते हैं, कि कुछ जलन सा गरम गरम सा महसूस होना, इस तरह के सिम्टम भी दोस्तों आपको आ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में डायबिटीज लंबे समय तक रहने से आपकी जो स्किन है इसमें आप एक ड्राइनेस महसूस करेंगे, यानी आपकी स्किन के अंदर कहीं ना कहीं सूखापन आने लगेगा, और दोस्तों जब स्किन में ड्राइनेस आएगी तो उसके कारण आपको खुजली यानी इचिंग भी आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि अगर आपको किसी तरह का घाव हो गया, कोई वाउंड, अल्सर, बॉइल वगैरह कुछ भी हो गया, तो आप देखेंगे कि घाव आजकल जल्दी नहीं भर रहा है, यानी डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनका घाव जो है जल्दी नहीं भरता है, थोड़ी सी चोट लग गई या कोई कट लग गया उसको भी ठीक होने में टाइम लगता है। इसी तरह से दोस्तों डायबिटीज धीरे धीरे आपके दूसरे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं उनको भी डैमेज करने लगती है, जैसे आप आईज पर, आपकी आंखों पर भी इसका कुछ असर देख सकते हैं, उसके अंदर दोस्तों डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर क्या होता है दोस्तों कि डायबिटीज के कारण आपके रेटिना कहीं ना कहीं डैमेज होने लगते हैं, जिससे आपकी जो है आने वाले टाइम में विजन जो है खराब हो सकता है, या धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि आपकी रोशनी या जो विजन है पूरा चला भी जाए। इसी तरह से दोस्तों आपको कैटरेक्ट के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, यानी आपको आंखों में कहीं ना कहीं धुंधलापन देखने को लगेगा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे मेरा जो विजन है वो, यानी मेरी रोशनी जो है वो प्रॉपर नहीं है और मुझे उतना साफ नहीं दिख रहा है। इसी तरह से दोस्तों डायबिटीज आपको जो है हार्ट के ऊपर भी असर डालती है, जिसके कारण आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, यानी जो आप रूटीन में बीपी कहते हो, यानी आपको बीपी हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर आप देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ने लग गया, उसके भी फिर दूसरे सिम्टम अपने को आने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह से डायबिटीज अगर लंबे समय तक है, आपने कंट्रोल नहीं किया है, तो दोस्तों जैसा मैंने शुरू में बताया था कि किडनी आपके शरीर से एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालती है, किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो दोस्तों डायबिटीज के कारण क्या होता है आपकी किडनीज पर भी असर आने लगता है और उसके कारण आपकी किडनीज भी कहीं ना कहीं डैमेज होने लगती है, आपको रिनल फेल्योर का सामना करना भी पड़ सकता है और उसके कारण भी अपना जो है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर भी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये कुछ मेन सिम्टम या आप कह सकते हैं अलार्मिंग लक्षण थे, जिनको आपको अगर आपकी बॉडी में लगातार इस तरह के सिम्टम है, लक्षण है, तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये कहीं मुझे डायबिटीज की तरफ तो नहीं ले जा रहे। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अगर इस तरह के सिम्टम है तो अपने पास में जाके डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, वो आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, आपको डाइट बताएंगे, कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं, योगा या एक्सरसाइज आपको सजेस्ट की जाएगी, बहुत सी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप एक बहुत अच्छा जीवन डायबिटीज के साथ भी जी सकते हैं और धीरे धीरे आपका देखेंगे कि आपका डायबिटीज जो है बहुत तेजी से इंप्रूव होता जा रहा है, अंडर कंट्रोल होता जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डायबिटीज को जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है और इसको कंट्रोल करने के अंदर हमारी बहुत अच्छी मदद करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो में जो डायबिटिक सिम्टम्स पे या डायबिटिक के लक्षण पे मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।